नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कटहल के कोफ्ते। कटहल की सब्जी खा खा के अगर बोर हो गए तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बनाना तो आप देख ही सकेंगे कि ये कितने आसानी से बन जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। कटहल के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो कटहल लिया है, जिसको अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। तो पहले हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, जिससे कि हमारे हाथों में ये कटहल चिपके ना। और थोड़ा सा चक्कू पे भी तेल लगा लेंगे, इससे हमारा कटहल अब फिर आसानी से कट जाएगा। तो इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए, हमें इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सारा कटहल काट कर तैयार कर लिया है। इतने बड़े बड़े हमें टुकड़े करने हैं। तो अब इस कटहल को हम अपने कुकर में डाल देते हैं। यहाँ हमने सारे कटहल को डाल दिया है और इसी में मैं डाल दूंगी 3 आलू। तो ये मैंने मीडियम साइज के 3 आलू लिए, इनको भी डाल देते हैं। कटहल के साथ ही हम उबालेंगे। मैंने इन आलुओं को पहले से अच्छे से धो लिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो पानी हमें इतना डालना है कि जिससे हमारे कटहल अच्छे से डूब जाएं। ये देखिए, हमने 2 गिलास पानी डाल दिया। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। यह मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसमें 2 सीटी आने देंगे, और वो भी मीडियम फ्लेम पे। तो पहले हम कुकर को गैस पे रखते हैं। यहाँ देखिए, कुकर का सारा प्रेशर निकल गया है। तो अब हम कुकर को खोल लेते हैं और कुकर में से जितने भी कटहल के पीस हैं उनको हम निकाल लेते हैं। देख लेते हैं अच्छे से सॉफ्ट हुए कि नहीं। ये देखिए, अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो हम इसको एक छन्ने में निकाल लेते हैं, जिससे कि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। ये देखिए, मैंने इनको निकाल लिया। अब हम इन्हें ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। यहाँ हमने अपने जो कटहल में जो बीज थे उनको अलग कर लिया और इस तरह से इसको मैश कर लिया है। मैंने सारे कटहल के बीज निकाल देने, क्योंकि वो गलते नहीं है। तो इस तरह से मैंने अपने कटहल को कर लिया है। तो आप लेंगे हम अपने आलू, और आलू को भी इसी में मैश कर देंगे। यहाँ मैंने 3 आलू उबाले थे, पर मैं 2 ही डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे आलू ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसी तरह से पहले इसको भी हम मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने आलूओं को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं अपने मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्ची का पाउडर। पहले इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं हम अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ अभी 4 चम्मच बेसन, अगर ज़रूरत होगी तो दोबारा डालेंगे। तो पहले 4 चम्मच डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे हम इनको। अब हम हाथों से करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, यहाँ मैंने सारे बेसन को मिक्स कर दिया। हमने बेसन डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा हम बेसन नहीं डालेंगे। फिर है ना, सारा बेसन बेसन का स्वाद आता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा डो बना के रख देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा, पर आप जब तेल के हाथ लगाएंगे तो ये आराम से हमारे कोफ्ते बन जाएंगे। तो यहाँ मैंने सबको मिक्स कर दिया। अब हाथों को साफ कर लेते हैं, हल्का सा तेल ले लेते हैं हाथों में, ये चिपकता ज़्यादा है इसलिए। इस तरह से मसल लेंगे। जितनी बड़ी बोल आपको बनानी है उतना आप ये
बैटर को लें और इस तरह से इसके बॉल्स बनाकर तैयार कर लें। ये देखिए कितने आराम से बन गई है। इसी तरह से सारी बॉल बनाकर हम तैयार कर लेते हैं, या एक बारी में जितनी फ्राई होती है आप उतनी भी बना सकते हैं। मैं एक बारी में जितनी फ्राई होंगी उतनी बॉल बनाकर तैयार कर लूँगी, उसके बाद जब तक वो फ्राई होंगी तो मैं दूसरी बॉल बना लूँगी। यहाँ देखिए मैंने कुछ बॉल बनाकर तैयार कर ली है, मेरा तेल भी गर्म हो गया है, तो पहले हम कुछ बॉलों को फ्राई कर लेते हैं। जितनी एक बारी में आ जाती है उतनी हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमारा तेल भी गर्म हो गया है, तो अब हम अपने कोफ्तों को डाल देते हैं। यहाँ हमने कोफ्ते डाल दिए हैं, अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम आंच पर हम अपने कोफ्तों को फ्राई करेंगे, तो अब हमने फ्राई होने देते हैं। यहाँ हमारे कोफ्ते एक तरफ से सिक गए हैं, तो दूसरी तरफ हम उनको पलट देते हैं। ये देखिए मीडियम आंच पर ही हमारे जो कोफ्ते अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे, इसे तेज आंच पर हम नहीं सेकेंगे। तो बस इसी तरह से अपने कोफ्तों को सिकने देते हैं। यहाँ देखिए हमारे कोफ्ते हैं जो बनकर तैयार हो गए, अच्छे से सिके हैं, चारों तरफ से अच्छे से सिके, कोई भी कच्चा नहीं है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। और इसी तरह से बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। जब डालें जब तेज आंच रखें और जब डाल दें पूरे, तब इसको तब गैस को मीडियम आंच पर कर देंगे। तो अब इनको सिकने देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। ये एक तरफ से फ्राई हो गए, तो हम इनको पलट देते हैं। यहाँ देखिए ये भी हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए, तो अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। बाकी के भी ऐसे ही बना लेते हैं। जब तक हमारे बाकी के कोफ्ते फ्राई होते हैं, हम इसके लिए ग्रेवी बना लेते हैं। कोफ्तों को मैंने दूसरे गैस पर रख दिया है, तो उसी गर्म तेल में से हम यहाँ लेंगे 1.5 चम्मच तेल। तेल हमारा गर्म ही है, तो डाल देंगे पहले हींग, 1 चम्मच जीरा। जीरा जब अच्छे से भुन जाएगा तब डाल देंगे हम प्याज। यहाँ 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने पीस लिया है, आप चाहे तो इसे काट के भी डाल सकते हैं। तेल हमारा ज़्यादा गर्म है, तो इस तरह से चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब प्याज को भून लेंगे हम। ये देखिए हमारी प्याज भुन गई है। इसे भी प्याज भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पर मैंने मीडियम आंच पर इसे लगातार चलाते हुए इसे भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी भून लेंगे। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटरों को पीस लिया है, अब इसको भी डाल देते हैं और पहले इसको मिक्स कर देते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, तो डाल रहे हैं 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला। आप अगर आपके पास हो तो डालो, नहीं तो इसको रहने दे सकते हैं। अब सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसमें डाल देंगे आप स्वाद अनुसार नमक। तो नमक हमने 2 जगह डाला है, इसलिए ध्यान से डालें। तो यहाँ मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको। जिसमें टमाटर पीसे थे उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसाले में डाल देते हैं, जिससे मसाला अच्छे से भुन सके। अब मसाले को अच्छे से भून लेंगे हम। यहाँ देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, ये देखिए। तो अब हम डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसको भी मिक्स कर देंगे। यहाँ हमारी कसूरी मेथी भी बन गई है, तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ मैंने गर्म पानी कर लिया था, उसको डालेंगे। तो पहले हम 1 गिलास पानी डालें, इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ हमें 1 गिलास पानी कम लग रहा है, तो हम 1/2 गिलास पानी और डाल देते हैं।
यहाँ हमने 1.5 गिलास पानी डाला है। अब हम इसमें उबाल आने देते हैं, गर्म पानी है इसमें, जल्दी उबाल आने लगेगा। यहाँ देखिए हमारी ग्रेवी में कितना अच्छा उबाल आ रहा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने कोफ्ते। अब हम इसको एक बारी मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से। छोटाई चम्मच इसमें डाल देंगे हम गरम मसाला, अभी डाल देंगे, बाद में ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो इसको भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो हमारे जो कोफ्ते टूट जाएंगे। यहाँ हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इतनी आप ग्रेवी रखें, बाद में ये सूख जाएगी। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं हरा धनिया। आज मेरे पास ताज़ा हरा धनिया नहीं है, इसलिए मैं सूखा हरा धनिया डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, हरे धनिये को मिक्स कर देंगे। 10 मिनट के लिए सब्जी को ढक देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ हमारी सब्जी को रखिए, 10 मिनट हो गए हैं। हम आपको सब्जी दिखाते हैं अपनी। हमारी सब्जी मैंने कितनी पतली रखी थी, ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। तो इसी तरह से आप थोड़ा पानी रखिए, क्योंकि कोफ्ते भी पानी पीते हैं। ये हमारे कटहल के कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं।